डीजल पेट्रोल ये तकरीबन इकोनॉमी के हर भाग में कहीं ना कहीं इनपुट होता है इसका। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज़ के दाम बढ़ते हैं। और पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन, ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका, क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है, देखिए। डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास, सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो, हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है, मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीस सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने, यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीस सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीस 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीस डीजल, 88 रुपीस आज, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए पूरा मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में तो 105 रुपीज कच्चे तेल का दाम था, आज 71 रुपीज है, 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं।
दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस डीजल पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को ये पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है, तो ये जा कहां रहा है? आपके पास नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि यह जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है यह सब पैसा। अब अंग्रेजी में बोल देता हूं, डू आई नीड टू सेट इन इंग्लिश? हो कैन आई जस्ट, यू लाइक मी टू सेट इन इंग्लिश? यू वॉन्ट ब्रॉडली इन इंग्लिश? हाँ, ब्रॉडली द गवर्नमेंट हैज ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। New concept is an increase in GDP means an increase in gas, diesel and petrol prices. Over the last 7 years, they've earned 23 lakh crores from an increase in diesel, petrol and gas. Every single person is affected by this. There are two effects. There's a direct effect and an indirect effect. The direct effect is when people buy fuel for their scooters, their cars, diesel for their trucks. An indirect effect is when the price of diesel, petrol rises, the price of everything rises because transport costs increase. So the country is bearing a massive cost as a result of this dramatic increase. I just go into the details. In 2004, when we left for office, gas price was 410 rupees a cylinder. Today it is 2014. The gas price was 410 rupees a cylinder. Today it is 885 rupees. 116% increase. Petrol was 71. It's now 101. 42% increase. Diesel was 57. Now it is 88. A 55% increase. And the interesting thing is, people could argue that prices are rising, diesel, petrol prices are rising because international prices are rising. But that's not the case. Because crude oil prices were $105 when we were in power and today they're $71. That's a decrease of 32%. Gas prices were $880 per metric ton. Today they're $653. That's a 26% drop. So the interesting thing is, there is demonetization taking place where the farmers, laborers, small traders, MSMEs, contract workers, salaried class, honest industrialists are being hit. And on the other side, there is dramatic monetization taking place where 3-5 big industrialists, friends of the Prime Minister, are being benefited. There is a transfer of wealth taking place from the poor, from the weak, to the Prime Minister's friends. This is what's going on. And this is what I wanted to raise today, and I wanted the young people of this country to think about this. This is about your future. You have to ask the question, who this money is going to? 23 lakh crores have been taken out of your pockets, out of the pockets of farmers, laborers, poor people. Question is, where are they going? At the same time, we see the finance minister talking about monetization, where your assets, the assets of this country, are basically being given away at cut rate prices again to 3 or 4 of the Prime Minister's favorite people. So that's what I wanted to raise today. If you have some questions, I'm happy to answer them. I would like to keep the focus on price rise and on diesel petrol prices. Thank you, sir. Arun will begin with you. एक छोटा सा सवाल ये है कि आप पार्लियामेंट में भी
ये मुद्दा उठाते हैं, मार्च करते हैं या वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप यहाँ भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी जनता के बीच में सड़कों पर भी जा रही है, आपको लगता है कि पब्लिक जो अफेक्टेड है वो आपके साथ है, आपके मुद्दे के साथ भी, वो भी सड़क पर आ रही, वो भी खड़ी है कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्षी कर रहा है, और अगर नहीं आ रही तो क्यों? नहीं देखिए, गुस्सा डेवलप हो रहा है वो तो क्लियर है, मगर दूसरी तरफ जो वो आवाज है उसको सिस्टमैटिकली दबाया भी जा रहा है। कोरोना का समय है तो हम भी नहीं चाहते कि लाखों लोग सड़क पे निकले, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके दूसरे नतीजे हो सकते हैं, तो हम भी थोड़ा रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, मगर जनता में जबरदस्त गुस्सा है। आप जानते हो मीडिया पे किस प्रकार से आक्रमण हो रहा है, जो आप लोग बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, आपको वो करने नहीं देते हैं, इंस्टीट्यूशंस पर दबाव है, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते हैं, डिस्कशन नहीं करने देते हैं, तो माहौल ऐसा है, मगर ये गुस्सा बढ़ता जाएगा और फिर रिएक्शन जबरदस्त आएगा। थैंक यू सर। मे आई गो टू विजय लक्ष्मी। बट द मेन थ्रस्ट ऑफ इट राइट इज द क्वेश्चन दैट 23 लाख करोड़। सी इफ द क्वेश्चन वॉज दैट इंटरनेशनल प्राइसेस आर गोइंग अप, नो प्रॉब्लम, but that's not the question. International prices are not going up. 23 lakh crores are being taken by the government of India. It's not a question of what is Chhattisgarh government going to do, Punjab government going to do. The question is, what is happening to this 23 lakh crores? Why are the people being made to pay for this? ये जो 23 लाख करोड़ रुपया है, ये जनता के जेब से निकाल कर ट्रांसफर किया जा रहा है ना, सवाल तो वो है। आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या करेगी, पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी, मगर सवाल वो नहीं है। सवाल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 23 लाख करोड़ नहीं ले रही है, पंजाब गवर्नमेंट 23 लाख करोड़ नहीं ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट 23 लाख करोड़ रुपए ले रही है। थैंक यू सर। उमा शंकर जी फ्रॉम NDTV। नहीं, मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे टाइम क्रूड ऑयल की प्राइस $105 थी, हमारी प्राइस पेट्रोल की 71 थी। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमने करके दिखाया, यहां आपके सामने प्रूफ है, देख लीजिए। अच्छी तरह देख लीजिए, तो ये कहने की बात नहीं है, ये रिकॉर्ड है। जब ये 410 रुपए का था, नरेंद्र मोदी आगे पीछे जाते थे, कहते थे मैं इसको कम करूंगा, ये 885 हो गया है। जब ये 71 था, कहते थे मैं कम करूंगा, 101 हो गया। अरे हमारे टाइम तो 71 था, ये तो हमने करके दिखाया है। ठीक है, अगर इसकी प्राइस, अगर ऑयल की प्राइस आज 140 होती तो फिर वो दूसरा सवाल होता, वापस उधर पे ले आएगा। अरे सवाल ये है कि इंटरनेशनल रेट कम हो रहा है और आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हो। हमने $105 पे प्राइस को $71 पे मेंटेन किया था, आप $71 पे आपने प्राइस 101 कर दिया है।
थैंक यू सर. मे आई नाउ आस्क मौसमी फ्रॉम आज तक? सॉरी, 21.1% है. देखिए, जो सिचुएशन 1991 में आई थी वो सिचुएशन आज आ रही है. ये बात समझिए, आज जो प्रॉब्लम है वो साइक्लिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये साइक्लिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. इसका मतलब क्या? बिना डायरेक्शन को चेंज किए, बिना विजन को चेंज किए इसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता है. ये जो मैंने बोला था, ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है, देख लीजिए, प्रॉब्लम ये है कि जिस इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को हमने 1991 से 2012 तक चलाया वो अब नहीं चल रही है. उस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि 2012 में हमारी स्ट्रेटजी तो जो 1990 से 2012 तक चली वो 2012 में तो उसने चलना बंद कर दिया था. हमारा कहना था एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है, एक नए अप्रोच की जरूरत है, और बिना नए अप्रोच के बात सही नहीं होगी. नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था मैं नया अप्रोच लाऊंगा, न्यू इंडिया, ये जो सब बोलते रहते हैं, बट वो नया अप्रोच नहीं है, वो खोखला है. उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की, कुछ बनना है इंडिया में. उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की बात की, कोई फायदा हुआ? अब मोनेटाइजेशन की बात करने हैं तो लोगों को यह समझना होगा कि अब एक नए विजन की जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चलेगा. जितना भी आप बोलना चाहे, जितने भाषण देने चाहे आप, नहीं चलेगा. अब हम 1990s में हैं, 1990s में कैटास्ट्रोफिक फेलियर हुआ था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने देश को एक नया विजन दिया था. कहा था देखिए ये कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो रहा है, अब एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है. प्रधानमंत्री को नए दृष्टिकोण की बात करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं. हम जानते हैं क्या करना है, हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है, कांग्रेस पार्टी के माइंड में, हमारे जो एक्सपर्ट्स, हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है क्या करना है. नया दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकार से आगे बढ़ना हमें मालूम है. तो ये इस बात को फाइनेंस मिनिस्टर को समझ ही नहीं आ रही है, उसको, उनको तो छोड़ दो, बट ये जो इनके थिंक टैंक्स हैं, नीति आयोग है, प्राइम मिनिस्टर को भी बात नहीं समझ आएगी, बट एक्सपर्ट्स हैं उनको समझ आएगी. और फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को उन एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए. अगर वो नहीं, अगर नहीं करना चाहते तो कांग्रेस पार्टी के एक्सपर्ट्स हम भेज देते हैं, हम समझा देंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम समझते हैं कैसे करना है, क्या करना है. तो मेरा कहना है कैटास्ट्रोफिक फेलियर है ये, और इसका सिम्टम जीडीपी का कोलैप्स है. आप देखिए, थोड़े डिटेल में जाता हूं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ रही है, सब लोग देख रहे हैं, मिडिल क्लास के पैसे बन रहे हैं. आप देखिए कितनी कंपनीज ग्रो कर रही हैं. ये जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का तमाशा है ये 50 कंपनियों का है, जो बाकी 300, 400, 500 कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, उनको देखिए उनका क्या हो रहा है, वो खत्म हो रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक खत्म हो रही हैं. मगर
फ्यूचर वो है। अगर आपको हिंदुस्तान की इकोनॉमिक बेस बढ़ानी है तो फ्यूचर वो है जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में है, वो सब खत्म हो रही है। और ये जो काम हो रहा है, ये मेन 5-6-7 लोगों को स्ट्रेंथन करने का काम हो रहा है। ये जो लोग हैं, इनकी जगह है, इनकी जगह है, बट ये हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार कौन देता है? स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं, सेकंड लाइन वाले लोग देते हैं, थर्ड। मोदी जी के माइंड में उनकी जगह ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चरल फेलियर का सिम्टम है। ये स्ट्रक्चरल फेलियर के कारण ये चीजें हो रही हैं। और नरेंद्र मोदी जी अगर एक्चुअल देश के सही प्रधानमंत्री होते तो देश को कहते, देखिए मैं समझ रहा हूं कि स्ट्रक्चरल फेलियर है और मैं अब देश को एक नया दृष्टिकोण देने जा रहा हूं, और वो दृष्टिकोण बातचीत से निकलेगा।